अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हम गुस्ल का मसनून तरीका बताएंगे और ईमान मुफस्सल पढ़ेंगे। तो बेटा, गुस्ल का मसनून तरीका वो ये है कि सबसे पहले हम पाकी हासिल करने की नियत करेंगे। उसके बाद दोनों हाथ पहुँचों तक, ये कलाई तक, यहाँ तक दोनों हाथ जो है हम धोएंगे। उसके बाद अगर जिस्म पर किसी किस्म की कोई नजासत, कोई नापाकी है, उसको दूर करेंगे, इस्तंजा करेंगे। और वो नजासत दूर करने के बाद हम नमाज का सा वुजू करेंगे। यानी जिस तरह नमाज के लिए हम वुजू करते हैं, उसी तरह हम वुजू करेंगे। और दौरान वुजू हमारे गुस्ल के दो फर्ज, कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना, ये भी अदा हो जाएंगे। उसके बाद हम हाथ में चुल्लू में पानी लेकर पहले दाएं कंधे पर डालेंगे 3 दफ़ा, फिर इसी तरह पानी लेकर बाएं कंधे पर 3 दफ़ा डालेंगे। फिर उसके बाद 3 दफ़ा सर में और पूरे जिस्म पर 3 दफ़ा हम इस तरह पानी बहाएंगे कि जिस्म पर एक बाल बराबर भी जगह खुश ना रहे। पानी डालते हुए साथ में जिस्म को मलना, ये भी सुन्नत मुबारक है। तो इस तरह से बेटा हम गुस्ल करते हैं। ये गुस्ल का मसनून तरीका है। इसी तरह आपने गुस्ल करना है। इसके बाद ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मुफस्सल, आमनतु بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت। ईमाने मुफस्सल, आमنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت। ईमाने मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت। तो ये बेटा आज का लेसन है आपका। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ईमान मुफस्सल भी कंप्लीट आप इसको भी अच्छी तरह से लर्न करेंगे और गुस्ल का जो मसनून तरीका है उसको भी आप बार बार सुने।
और उसी तरह आपने गुस्ल किया करना है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।